चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पता करना है, तो क्या रेडियस के परपेंडिकुलर है स्पीड? क्या रेडियस परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, रेडियस के परपेंडिकुलर स्पीड है, इसीलिए जो एंगुलर स्पीड हमारा ओमेगा जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। ये वी क्या है? परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के परपेंडिकुलर। ऐसे ऐसे केसेस हम क्या कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5 पर सेकेंड। ओके, मतलब 5 रेडियन पर सेकेंड। सो क्या बोलेंगे, 5 रेडियन पर सेकेंड। ये यूनिट आ गया एंगुलर वेलोसिटी, इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। ओके, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको कि अगर किसी पार्टिकल का थीटा दिया हो, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, किसी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। जो मैंने बताया था दो बार डिफ्रेंशिएट करते इतना आता है, इसी को हम लोग डी ओमेगा बाय डी टी भी कहते हैं। ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का डेरिवेशन का फॉर्मूला। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ओके, रेडियन एंड टी इन सेकेंड। ओके, फाइंड करना है आपको क्या क्या, फर्स्ट फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज, सेकेंड टेंजेंशियल अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एंड थर्ड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड 2 सेकेंड 6 सेकेंड एक्सेट्रा, जो कुछ भी निकालेंगे। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ओमेगा निकालेंगे, क्या लिख लेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। क्या आएगा आंसर, 60 रेडियन पर सेकेंड। ओके, उस हिसाब से एवरेज जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग आएगा, है ना। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ऑप्शन ए हम बनाते हैं तो एवरेज जो बनाएंगे वो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ओके, ओमेगा 2 कितना है, 6 कॉमन है ना, तो निकाल के देखेंगे t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये एवरेज वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट आ रहा है, ये क्या है एवरेज वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। क्यों कॉन्स्टेंट आ रहा है इसके पीछे हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ही कॉन्स्टेंट है, ये इसे ये कैंसिल हो गया, मतलब जो अल्फा एवरेज है वो कितना आ रहा है, कितने के बराबर आ रहा है, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इतने के बराबर आ रहा है। इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस बी पार्ट अगर हम देखें, इंस्टेंटेनियस कितना है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इतने के बराबर हो रहा है, देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन जानते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है क्या है, यूनिफॉर्म है, ये जो यूनिफॉर्म है। अब देख लीजिए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या, अल्फा एवरेज। ऐसे ऐसे केसेस में आप देख रहे हैं जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एवरेज
एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इन दिस सिचुएशन। ओके चलिए, चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन में हम एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यह यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अगर मैं डी ओमेगा को इस तरह से लिखूँ, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। एट टी इक्वल टू जीरो, अगर हम टाइम की बात करें, एट टी इक्वल टू जीरो हम क्या निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड एट टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो अल्फा आ जाएगा बाहर और डी टी इंटीग्रेट होगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, तो अल्फा इंटू टी ये आ गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, इंटीग्रेशन के बाद क्या आ रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इफ अल्फा इज यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर अल्फा क्या है, यूनिफॉर्म हो तो। यूनिफॉर्म मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, ये रिटार्डेशन के लिए एप्लीकेबल, ये रिटार्डेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर इसका वैल्यू कम हो गया इससे तो ये अपने आप निगेटिव आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन है, एंगुलर डिसेलरेशन है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये क्या दिया होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस इतना है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ओके, एट टी इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू, मान लो थीटा नोट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा नोट, एंड एट आफ्टर सम टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ रहा है, थीटा माइनस थीटा नोट दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर और आगे चलेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा नोट प्लस इतना, ये इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस इतना हम लिख सकते हैं। इस कहानी में अगर और आगे बढ़ते हैं, इफ थीटा नोट इज इक्वल टू जीरो डिग्री या जीरो रेडियन जो कुछ भी है, इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम को रिमूव करेंगे तो क्या इक्वेशन आ रहा है, लाइक ये सब के सब क्या है, लीनियर मोशन जैसा, सिमिलर टू लीनियर मोशन है। तो अगर हम लीनियर मोशन की तरह समझेंगे तो क्या होगा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है भाई, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इन सब इक्वेशनों से हम जितने सारे मोशंस होते हैं एंगुलर मोशन का, हम सारा इक्वेशन पढ़ करके यूज करके कैलकुलेशन का यूज करके हम किसी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, जितने सारे वेरिएबल्स हैं हम सब पता कर सकते हैं। ओके, ये सब कहानियाँ थी कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा,
यूनिफॉर्म होगा तब। ओके, तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत सारी कहानियां हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर दूंगा तो आप बना सकते हैं इसलिए। ओके चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अल्फा यूनिफॉर्म था तो कुछ इस तरह का इक्वेशन होता, अल्फा इनटू टैन दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हम जानते हैं। लेकिन अल्फा अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर अल्फा नॉन यूनिफॉर्म है मतलब अगर अल्फा टाइम के साथ चेंज करे या अल्फा थीटा के साथ चेंज करे तो हम इक्वेशन की कहानी क्या होगी, अलग होगी। तो इस तरह का इक्वेशन यूज करेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, फिर डी थीटा बाई डी टी यूज करेंगे। तो क्या होगा, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितना है, इसको लिखेंगे ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी तक जितना आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमको थीटा निकालना होगा, अगर हमको थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको थीटा नोट से लेकर थीटा तक इंटीग्रेट करेंगे और इसको ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू डी टी से इंटीग्रेट करते हुए चले जाएंगे। ये गलत कहानी है, ये क्वेश्चन मैं सिंपल दे रहा हूँ, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से क्वेश्चन है। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गेन्स एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी है जो रेस्ट पे था, मतलब रेस्ट में मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट क्या है, 0 रेडियन पर सेकेंड, और गेन कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है 10 हो जा रहा है, 10 रेडियन पर सेकेंड 1 सेकेंड हो रहा है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा जो होगा अभी ये बताइए एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस हम निकालेंगे, अभी एवरेज निकालेंगे, अभी जो होगा वो एवरेज होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितना है, फाइनल इनिशियल है ना डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही तो एवरेज आ रहा है। फाइनल कितना है भाई 10 रेडियन पर सेकेंड, इसमें 0, टाइम कितना है 1 सेकेंड, कितना आया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें आपको थीटा पूछूं, अगर मैंने अल्फा पूछा थीटा पूछा तो क्या थीटा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा क्या होगा, क्या फॉर्मूला आता है थीटा, थीटा का ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो अल्फा अगर कांस्टेंट हम मान के चलेंगे कितना है ये, सॉरी ये जो है कितना आ रहा है, मिनट के साथ लिख लीजिए 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट क्या है 0, 1 बाई 2, अल्फा कितना है 10 और टाइम कितना आपको दिए रहे हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के इतने में कितना आ रहा है 5 रेडियन का एंगल जो है कवर कर रहा है पार्टिकल, देख लीजिए इसी। ओके, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि एक पार्टिकल इज स्टॉप, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितना है 0, फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, क्या है 5 रेडियन पर सेकेंड, स्टॉप किया जा रहा है इज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में स्टॉप किया जा रहा है। तो इसमें फाइंड करना है आपको क्या क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। फाइंड करके बताइए क्या होगा आंसर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल क्या है 0, रुकी जा रही है पार्टिकल को है ना,
इंस्टेंट कितना 5 रेडियन पर सेकंड इज स्टॉप इन 2 सेकंड है ना। फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अल्फा अगर फाइंड करना होगा, अगर इसका हम सॉल्यूशन पता करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा कितना होगा बताइए, क्या होगी अल्फा की वैल्यू। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल कितना है 5 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकंड, दैट इज इक्वल टू -2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बॉडी माइनस आ गया, इसका मतलब बॉडी क्या है रिटार्ड हो रही है, बॉडी क्या हो रही है रिटार्डेशन हो रही है बॉडी में। ओके, अगर हमको अल्फा पता चल गया थीटा पता नहीं कर सकते क्या, इजीली थीटा पता कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू ये फाइनल जीरो है, क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2 अल्फा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर कितनी होगी 2.5 दैट इज इक्वल टू 6.25 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 2.5, एक बार 2.5 का कट जाएगा तो कितना आ रहा है ये 2.5 इंटू डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 1.25 है ना, इस तरह का आएगा। देख लीजिए ये थीटा जो है वो रेडियन के टर्म में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये थीटा होगा यहाँ पर क्या होगा रेडियन होगा। ओके, डी थीटा बाई डी जो कुछ भी है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा रेडियन हो। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लीजिए, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, रिलेशन क्या है टॉपिक हमारा अब का क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में दो तरह की मोशन होती है, एक लीनियर मोशन होती है, एक एंगुलर मोशन होती है, दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल एस लेंथ का आर्क सबटेंड करता है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में रेडियस अगर आर है तो एक संबंध मैंने बताया था एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जहाँ पे आर क्या है हम यहाँ पे इसको क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, तो ये है लेंथ, आर का लेंथ है, रेडियस है, एंगुलर थीटा है। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये क्या होगा डी एस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करना है तो डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, ये इससे पहले हम लोग जानते थे, तो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग इस तरह से जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेडियस कॉन्स्टेंट है तो इस तरह के स्पीड को अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक वेलोसिटी आती है ये जो टेंजेंट के तरफ होती है, ठीक है टेंजेंट के तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, रेडियस इतना है, ठीक है ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं तो एक्सिस क्या होगा एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है आउट ऑफ प्लेन आया। ओके, तो इस कहानी में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टाइम टी तो हमारे पास जो आंसर आएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt that is equal to r d omega by dt that is equal to r into alpha, ये आ रहा है आंसर में।
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से कुछ इस तरह से रिलेटेड है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात मैं बोलूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का रिलेशन सामने आ रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, अल्फा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म दोनों चीज हो सकता है। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों होगा, ठीक है। इस तरह के देखिए, और मैं कुछ क्वेश्चन बोलो बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर रेडियस दिया हुआ है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये सब फाइंड करना है हमको, क्योंकि सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन एंगुलर मोशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दिया हूँ, बनाइए। पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 20। फाइनल स्पीड कितना है? लीनियर वेलोसिटी 20, इनिशियल कितना है? 10। टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकेंड। कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर इसी चीज को देख के मैं अगर लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना चाहूँ तो इजी वे में पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है? 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर जो आ रहा है तो क्या आ रहा है? 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देख लीजिए, इससे पता कर सकते हैं रेडियस। ओके, इजी वे हम पता कर लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब थीटा एस पता करना चाहेंगे, लीनियर डिस्टेंस एस पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया सर्कुलर मोशन में? अगर कोई बॉडी यहाँ पर, उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मान लो यहाँ चला गया, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है 5 मीटर, तो पूछ रहा है कि ये एस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना होगा? व्हाट विल बी दैट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो उसको पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एस इज इक्वल टू क्या फाइंड यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलिए? एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये 2a का मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे a का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। v कितना है भाई? तो 20, 20 का स्क्वायर ये कितना है? 10, 10 का स्क्वायर इंटू 2। एक्सेलरेशन कितना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लिखा था हमने? 5 इंटू 10 कितना है? सॉरी, 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टाइम की जरूरत यहाँ पे नहीं है, है ना? तो कितना आ रहा है? 20 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 400 में से गया तो कितना हुआ? 300। ओके, ये कितना आ रहा है? 400, 400 में से 100 गया, कितना? 300, 300 बटे 10 कितना आ रहा है? 30 मीटर। सब ऐसा यूनिट में है। देखिए ये इक्वेशन में लिखा है, ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है, इस तरह से 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 इंटू 5, इस तरह से हमारा आ गया 30 मीटर डिस्टेंस होगा, मतलब एसली हमने पता कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पता करना है। लाइक लीनियर मोशन हम क्या करेंगे, एंगुलर मोशन से एंगुलर मोशन को ही पढ़ सकते हैं,
है ना। तो लाइक हम अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा एसिलेशन होगा, यहाँ पे एसिलेशन आएगा एंगुलर एसिलेशन। ओके, ये जो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है, अगर लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, 20/5। ओके, इसका स्क्वायर माइनस, फिर क्या आ रहा है, इनिशियल कितना था 10/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × अल्फा कितना है 1। आंसर देखिए क्या है 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर रहे हैं कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 रेडियन, ये इतना आंसर आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके।